हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रिलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन के बारे में देखेंगे, इनोवेट फॉर न्यू ड्रग्स। तो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते अभी ये जो सारी प्रोसेसेस हैं ये हमें थोड़ी स्पीड अप करनी है, नए ड्रग्स की ज़रूरत है, डिजीज़ स्पेसिफिक ड्रग्स की ज़रूरत है और उससे रिलेटेड फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनका मिलके कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके। और हैकेथॉन हम जानते हैं इट्स लाइक अ स्प्रिंट इवेंट, राइट? तो ये स्पीड अप करने के लिए, चीज़ें जल्दी हो उसके लिए ये एक इनोवेटिव वे है। तो इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव फॉर सपोर्टिंग ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। और इसमें अलग अलग पार्टिसिपेशंस होंगे, प्रोफेशनल्स, फैकल्टी, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, बीट कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फार्मेसी, मेडिकल साइंस, बेसिक साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो हर एक फील्ड हम जानते हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। बायोटेक्नोलॉजी में या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज में भी आपको कंप्यूटेशनल साइंस की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सब लोग साथ में पार्टिसिपेट कर सकेंगे ताकि ये प्रोसेस थोड़ी स्पीड अप हो जाए। सो ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 विजन एंड मिशन इज़ टू एस्टैब्लिश ओपन इनोवेशन मॉडल फॉर इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी। और फिर यहाँ पे सारे ही स्टेप्स पे ध्यान दिया जाएगा कि इन सिलिको ड्रग डिस्कवर करना, उसका ऑप्टिमाइजेशन करना लीड का, और ड्रगेबल नॉन टॉक्सिक टारगेट्स का आइडेंटिफिकेशन करना, और फिर यही चीज़ें आके क्लिनिकल स्टडीज़ में जाती है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको समझा दूँ कि इन सिलिको स्टडीज़ क्या होती है। तो कोई भी ड्रग डिस्कवरी करने के लिए जो भी स्टडीज़ की जाती है, हम डायरेक्टली किसी ड्रग को टारगेट करके क्लिनिकल या प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में नहीं जा सकते हैं। तो वी स्टार्ट विथ कॉम्पिटिशनल स्टडीज़ फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग, कि उसका मॉलिकुलर कॉन्फॉर्मेशन कैसा है, वो हमारे टारगेट के साथ कैसे फिट हो रहा है, फिर उसमें डॉकिंग कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिशनल मेथड्स से स्टडी की जाती है और इसी को इन सिलिको बोला जाता है। और इन सिलिको अगर वो पर्टिकुलर ड्रग फिट दिखाई दे रहा है हमारे टारगेट के लिए, इन सिलिको स्टडी प्रेडिक्ट करता है कि दिस ड्रग विल वर्क, फिर हम उस ड्रग को एक्चुअल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और उस समय भी फिर हम उनको आइसोलेटेड सेल्स के ऊपर और बाकी बैक्टीरियाज के वगैरह ऊपर स्टडी करते हैं, फिर एनिमल मॉडल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, प्री क्लिनिकल और फिर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। तो आप इन सिलिको स्टडी के बारे में ध्यान में रखिए, कॉम्पिटिशनल मेथोडोलॉजीज हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। सो द टारगेट टूल्स, टारगेट्स और टूल्स, लीड मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर हैकेथॉन विल बी फर्दर टेकन फॉरवर्ड फॉर सिंथेसिस फॉलोड बाय सब्सिक्वेंट स्टेप्स इन रूटीन ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव एंड इसके पार्टिसिपेंट्स है MHRD इनोवेशन सेल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग विच विल बी सपोर्टेड बाई नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एंड माई गवर्नमेंट, और प्राइवेट प्लेयर्स भी वेलकम्ड है यहाँ पर, याद रखिए। सो द हैकेथॉन कंसिस्ट्स ऑफ चैलेंजेस दैट आर पोस्टेड एज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड हूएवर कैन कम अप विद द सोल्यूशन वो यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कशंस हो सकते हैं एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे तीन मेन ट्रैक्स रहेंगे। फर्स्ट ट्रैक विल प्राइमरीली डील विथ ड्रग डिज़ाइन फॉर एंटी कोविड-19 हिट और लीड मॉलिक्यूल जनरेशन यूजिंग इन सिलिको टूल्स। तो पहली स्टेप है सिंपली इन सिलिको टूल्स यूज़ करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या टारगेट्स रह सकते हैं और क्या क्या उसके लिए ड्रग्स रह सकते हैं। सेकेंड स्टेप विल बी डिज़ाइनिंग और ऑप्टिमाइजिंग न्यू टूल्स एंड एल्गोरिदम्स। अब जो ये एल्गोरिदम्स और टूल्स हम कोविड-19 के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, इनको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, इनको हम और ज़्यादा रिफाइन करेंगे फॉर एक्सपेडिएटिंग दी ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस इन जनरल फॉर इन सिलिको। एंड देन नॉवल और रिफाइंड टूल्स और एल्गोरिदम फ्रॉम ट्रैक टू विल हेल्प डेवलप बेटर मॉडल्स फॉर प्रेडिक्टिंग ADMET इन सिलिको। अब ADMET का क्या मतलब होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड टॉक्सिसिटी। तो ये सारी चीज़ें भी हम कॉम्पिटिशनल स्टडीज से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सी कंप्यूटर्स आर फेड विथ डेटा, राइट? अब तक बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी है ड्रग डिस्कवरी के लिए, तो कौन सी क्लास का ड्रग किस तरीके की टॉक्सिसिटी या किस तरीके के इफ़ेक्ट्स दिखाता है या उसके किस तरीके के टारगेट्स होते हैं, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो उनके बेसिस पे ही हम जो भी नए मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं उन्हें प्रेडिक्ट किया जा सकता है। देन ट्रैक 3 इज़ कॉल्ड मून शॉट,
विच अलाउज फॉर वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स विच आर आउट ऑफ द बॉक्स नेचर. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग शॉट है ये कि दिस माइट वर्क, बट ऐसा पहले कभी किया नहीं है, बट ओके लेट्स ट्राई. तो इसके लिए भी सपोर्ट दिया जाएगा, इनोवेटिव वेज के लिए सपोर्ट दिया जाएगा जो पहले ट्राई नहीं किए गए हैं. तो ये था ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन के बारे में. ये COVID-19 पैंडेमिक के बैकड्रॉप पे भी इंपॉर्टेंट बनता है, पर ये प्रिलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अभी. एक तो हम जानते हैं कि इंडिया ने बहुत सारे हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो इस जिसके वजह से जैसे कि अटल मिशन है, राइट. तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना ज़रूरी है. आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो देखते रहिए हमारा चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. Thank you.